राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है, जहां बेखौफ अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं पटना पुलिस अपराधियों के सामने बेबस नजर आ रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित मोती ढाबा के कर्मचारी को अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों द्वारा होटल कर्मचारी से खाने पीने की चीज की मांग की गई, जिसके एवज में कर्मचारी ने पैसे की मांग की, जिसके बाद अपराधियों ने कर्मचारी के मुंह में पिस्टल डालकर जान से मारने की धमकी दे डाली। इस पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अमित सरन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर सुल्तानगंज इलाके से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ढाबा के पास भी कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा कर्मचारी को मुंह में पिस्तौल ठोस कर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है, क्या कार्रवाई हुई है सर, क्या पूरा मामला? उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है सुल्तानगंज थाने से, उसके पास से बाइक भी बरामद हुई है और मोबाइल भी बरामद हुई है लूटी हुई, और उसके और अन्य साथियों के, दो और अन्य साथी थे उसके, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इस तरह के अपराधी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अपने तरफ से गश्ती होती है, सारा कुछ होता है, हम लोगों की तरफ से चलता रहता है, हमेशा चेकिंग होती रहती है, तो इस तरह से कई सारी घटनाएँ हम लोगों ने प्रिवेंट करने में सफलता भी पाई है, फिर भी कुछ कुछ घटनाएँ हो जाती हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, तो जब घटनाएं हो जाती हैं तो हम उसको डिटेक्ट करने पे अपना पूरा जोर लगाते हैं और चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे।